चलो भी घुस जाओ, शायद मेरे लॉकर में कुछ ज्यादा ही चीजें हैं। अरे बंद भी हो जाओ, बस हो ही गया आखिरकार। मुझे तो लगा था ये बंद। आउच, अब मुझे नींद आ रही है। शेरल का लॉकर खुला हुआ है, अजीब है। शेरल तुम ठीक तो हो? शेरल उठो, मुझे स्कूल नहीं जाना मॉमी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? ये बैग काम आ सकता है, और ये मैग्नेट ये काम करेगा। इस बैग को लॉकर में रख देते हैं और मैग्नेट से इसे अटका देते हैं। दूसरी साइड भी यही करेंगे। यहाँ ठीक है, अब शेरल का सारा सामान है बैग में डाल देते हैं, इससे इसका लॉकर ऑर्गेनाइज रहेगा। वाह, उसके पास कितना सामान है, ये तो बदल गया। उम्मीद है इससे शेरल की मदद हुई हो। क्या तुम एक एंजल हो? ओह, ये तो तुम हो लूना, मैंने तुम्हारा लॉकर साफ कर दिया। अरे वाह, सब समेट दिया। वाह, कितना साफ है, मुझे पसंद आया। शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। योर वेलकम। अब मुझे जाने दो, मुझे दबाओ मत। कोई बात नहीं बेस्टी, मैं अपनी बुक्स निकाल लेती हूँ। ओप्स, तुमने देखा तो नहीं। लूना के पास आंसर्स है। शुक्र है मुझे ये आता है, शुक्र है लूना को सब आता है। बस थोड़ी मदद चाहिए, जल्दी करना होगा। अरे नहीं, वो चीटिंग कर रही है, बहुत तेज है। शेरो, हटो। पर ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्नैक खा लेती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। चॉकलेट, क्या ये कैंडी है? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भूख लगी है, ये बहुत टेस्टी है। हे शेरल, मुझे एक पीस मिल सकता है? खैर खैर खैर, नहीं, बहुत हुआ, तुम्हें लगा मैं डर गई? आ जाओ, अब बस एक ही चारा है। किसी ने खिड़की खोली, एक कैंडी बार और जो भी है ये लो, मुझे आंसर्स दो। और ठीक है, अब खुश हो? तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। थैंक्स बेस्टी। थैंक्स। मुझे पढ़ना नहीं पसंद, इससे देखना आसान है। यहाँ क्या चल रहा है, कितनी गलत बात है, ये मुझे दो। ओ, और तुम डिटेंशन के लिए जाओ, दोनों के दोनों। ये क्या करती है बुद्धू बच्चे, क्लास में खाना ऐसे लेकर आते हैं। यम्मी, मुझे अपना काम पसंद है। मैं आर्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है क्लास, मैं चाहती हूँ आज तुम एक कैट ड्रॉ करो, देखो इसका चेहरा कितना प्यारा है। शुरू करो। ओह, ये ट्रिकी है। ये रही इसकी पूंछ। अरे नहीं, अच्छा नहीं बना, पूरा हुआ थोड़ी जल्दी में बनाया है तो ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। क्या, ये कैसे हो सकता है? आज का दिन सबसे बुरा है, ये मुझे दो। ओह, पर मुझे खुशी हुई। एक आइडिया है, शायद ये काम आए। अगर पेन के ऊपर रबर बैंड्स बांधी जाए और दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया जाए तो मैं इस कैट को अपनी नोटबुक पर ट्रेस कर सकती हूँ। ये काम कर रहा है, जब तक इन लाइंस को फॉलो किया जाए ये बहुत अच्छी कॉपी बनेगी। वाह, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट, मुझे ये अच्छा लगा शेरो। शुक्रिया, मैं हूँ ही कमाल। एक बी, हमेशा की तरह कमाल कर दिया लूना। ए प्लस, ऐसे ही करती रहो। शुक्रिया। ओ नहीं, अभी भी प्रिंट हो रहा है, रुको। क्या, यहाँ कुछ नहीं है, मुझे आर्ट क्लास नहीं पसंद, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये ठीक नहीं है, जल्दी करना होगा, इससे आराम से हो जाएगा। तो
तुम ऐसे नहीं समझोगी शेरिल। मैं टॉयलेट जा सकती हूँ? जाओ, जल्दी आना। मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह, यहाँ पानी का ग्लास है। मुझे क्लास से ब्रेक चाहिए। कुछ तो सोचना होगा। जरूर को, मैं समझ गई। ये बेकार है। बढ़िया आइडिया है। मैं इस कप पर नंबर्स लिखूंगी, फिर इसके ऊपर एक और कप लगा दूंगी। अब इस कप पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन लगेंगे। ऐसे ही और कप्स लगाते जाएंगे। बस सही आंसर्स के लिए इन कप्स को घुमाना होगा। हाँ, समझ गई। ऐसे मैं ये आंसर्स कैसे जान पाती? अब ये बहुत आसान हो गया। मुझे अपने टोज भी इस्तेमाल करने होंगे। लगता है मुझे लूना की मदद करनी चाहिए। हे, सॉक्स पहनी रखो, ये इस्तेमाल करो। वाह, थैंक्स। रुको, तुम ये क्या कर रही हो? ओह, मैंने कोशिश तो की पर समझ नहीं आ रहा। जैसा कि तुम दोनों देख सकती हो, ये रहा एक डॉल हाउस और इसमें एक सोफा मिसिंग है, तो तुम्हें वही बनाना है। अच्छा, वो बनाना है? तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये रहा काउच, मैं इसे नाप लेती हूँ। वो कहाँ चली गई? अजीब है। मैं ये काउच ओरिगामी से बनाऊंगी। पहले इसे कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करेंगे। अब इसे खोलकर दूसरे कॉर्नर्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब बीच के लाइन तक इन कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा खोलकर दोबारा करेंगे। अब इसे बीच तक ले आएंगे। अच्छे से क्रीज करना होगा। अब मैं दूसरी साइड भी ऐसा ही करूंगी। ये काफी अच्छा जा रहा है। और अब दूसरी साइड पर। अब हम आगे के स्टेप्स पर चलते हैं। बीच में और फोल्ड करेंगे और दोनों साइड्स पर भी। फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब इसे खोलना होगा। पर अब मुझे बाकी के कॉर्नर्स को बीच तक फोल्ड करना है। और अब दोबारा वैसा ही बीच की सेंटर लाइन से। और अब वापस फोल्ड कर देंगे। इसे उल्टा कर दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करें। अब ये बनना शुरू हो गया है। जी हाँ, इसे खोलें और फिर दोबारा फोल्ड कर दें। ये एक रेक्टेंगल जैसा होना चाहिए। अब इसे बॉक्स की तरह बनाने के लिए इसके कोनों को दोबारा फोल्ड करें और दूसरी तरफ भी। बहुत बढ़िया, मैंने एक और बना लिया। मैं इन बॉक्सेस को साथ में जोड़ दूंगी। हाँ, ये पार्ट पूरा हुआ। अब एक और पेपर का पीस लेते हैं। बिना क्रीज किए इसे बीच से फोल्ड कर दें और कोनों में लगा दें। सोफा के आर्म्स के लिए एक और। इस पर पिलोज भी होने चाहिए ना? टडा! ये कितना प्यारा है। ये रहा मेरा सोफा जादूगर। बहुत अच्छा किया। मुझे एक एक लाइन को नापना होगा। ठीक है, अब मैच की जरूरत है। वो अभी तक वापस ही नहीं आई। वो तो सो गई। खैर, मेरे रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये छोटे से काउच को इस डॉल हाउस के बीच में रख देती हूँ। अगला चैलेंज, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनाओ। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। मैं पेपर से शुरू करूँगी। इस पेपर बोर्ड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? हाँ, हे भगवान, काश मैं असली बोट पर होती। नीले समुद्र के बीच, जिसमें मेरे बाल हवा से लहर रहे होते और ठंडी ठंडी हवाएं। कितना खूबसूरत नजारा होता। मैं अपनी पूरी गर्मियाँ बोट पर बिता सकती हूँ। वो फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो गई। लगता है वो गिरने वाली है। मुझे उसका ध्यान वापस लाना होगा। हाँ, क्या हम ओरिगामी बोट्स बना रहे हैं? ओह हाँ, ठीक है, काम पर लग जाओ। मैं इसके कोनों को साथ में फोल्ड करने से शुरू करती हूँ। हाँ, बढ़िया लग रहा है, अच्छी शुरुआत है। अब मैं इसे घुमाकर दूसरे कोने तक ले जाऊंगी। ये एकदम अच्छे से होना चाहिए। हाँ, अब इसे खोलकर इसके कोने इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे हम पेपर एयरप्लेन बनाते हैं ना, वैसा होगा। पर ये एयरप्लेन नहीं होगा, हमें इसे बोट बनाना है। मैं इस तरह इसे फोल्ड करूंगी। अब इसकी शेप बोट जैसी आ रही है। और अगर बोट नहीं तो कैप्टन की हाइट तो पक्का है। ठीक है, अगला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसे खोलेंगे और वापस इस तरह फोल्ड कर देंगे और इस कोने को इस तरह अंदर दबाएंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। अब वापस कोनों को मोड़ेंगे
देखो मैंने कितना बढ़िया ट्रायंगल बनाया, पर अभी भी ये बोट नहीं बनी। इसे इस तरह घुमाना है और बस आखिरी स्टेप। वो देखो मैंने इसे खोला और अब ये बोट बन गई। ये कितनी बढ़िया लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद आई। अब हमारे पास दो बोट्स हैं। हमने कमाल कर दिया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। तुम इस चैलेंज में पास होती हो। हे एक सेकंड रुको, मेरे साथ आओ, हम ये ट्राई करेंगे। हे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हाँ तब भर गया है, तो तुम तैयार हो? देखो ये तैर रही है, कितनी प्यारी है। ओह वो तो गीली हो रही है। है तो बस ये पेपर ही ना। मुझे अपना मैनिक्योर करते रहना चाहिए। ओ तुम तैयार हो? ठीक है, ये तुम्हारा अगला चैलेंज है। फिंगर नेल्स, समझ गए, मुझे अपनी मैनिक्योर किट निकालनी चाहिए। देखते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। ओह ये ब्लू वाले सही रहेंगे, ये मेरे आउटफिट से भी मैच होते हैं। ठीक है इन्हें ग्लू से चिपकाते हैं। हाँ अब जरा इन्हें देखो, चैलेंज पूरा हुआ। क्या नहीं, मैंने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। वाह अपने नेल्स तो देखो जरा, मैं दोबारा ओरिगामी इस्तेमाल करूंगी। नीचे तक ले जाकर फोल्ड करेंगे। अब इस तरह एक और कोना और इस तरफ से भी एक और ट्रायंगल बनाने के लिए। और अब आखिरी कॉर्नर, एक और ट्रायंगल बनाने के लिए। और अब आखिरी कोना भी। हाँ अब हम इसे पूरा फोल्ड कर देंगे। और एक और बार, अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया, बहुत अच्छे। हाँ अब मैं इसे खोलूंगी और कोने को इस तरह फोल्ड कर दूंगी। अब इसे घुमाएंगे और आखिरी वाले को भी फोल्ड कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फोल्डिंग है, पर अभी भी हमें शार्प क्रीसेस चाहिए, चाहे पेपर जितना मर्जी मोटा होता जाए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम इसे इस तरह खोलेंगे और कोनों को मोड़ देंगे, पर हो गया। देखो मैं इसमें अपने फिंगर डाल सकती हूँ। तारा अब इन नेल्स को देखो। बहुत डरावना है, पर अच्छा काम किया। मेरे नेल्स अच्छे क्यों नहीं है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। जो भी है तुम बहुत मतलबी हो। अगला चैलेंज क्या होगा? ये क्रेन्स है, ये तुम्हारा अगला चैलेंज है। मैं ये वाला कैसे कर सकती हूँ? हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये रहे मेरे ईयरबड्स, मैंने अपने कानों में लगाऊंगी, ये काम करेगा। प्लेलिस्ट शुरू करते हैं। हाँ मजा आ रहा है, मैं ऐसे ही गाने सुनती हूँ। चलो फोल्डिंग शुरू करें। पहले इसे जैसे फोल्ड करते हैं वही से शुरू करूंगी। और अब दूसरे कोने भी। और अब इसके कोनों से कोने मिला देंगे। इसे अच्छे से दबा कर करें और फिर खोलें। और अब बाकी कोनों से भी ऐसा ही करें। हाँ हम अब इसे खोलेंगे। और अब थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, जो हमने पहले फोल्ड किए थे उन्हीं के इस्तेमाल से हम ट्रायंगल बना देंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बीच तक मोड़ेंगे। बढ़िया। और अब दूसरे कोने भी। अब इस ऊपर के हिस्से को नीचे तक लाएंगे और फिर वापस ऊपर। इसे उल्टा करें और दोबारा वैसे ही मोड़ें। ठीक है अब इसे सीधा करें और फिर खोलें और फिर इसे दोबारा अंदर से फोल्ड कर दें। ये एक डायमंड की तरह दिखने लगेगा। हाँ अब कोनों से दोबारा फोल्ड करें। अभी छोटा होता जा रहा है, क्रीसेस बनाते रहें। अब क्या करना है, इसे उल्टा करें और दोबारा वही करते रहें। मुझे अगला स्टेप बहुत पसंद है, ये मजेदार है। ये पैरों की तरह दिखने वाली चीज को भी फोल्ड करेंगे और फिर इसे नीचे ले आएंगे। अब ये बनना शुरू हो गया है। कैंची के इस्तेमाल से इसे बीच तक काटें। एक विंग ऐसे नीचे आएगा और दूसरा भी। और ये कटे हुए फ्लैप्स को इस तरह फोल्ड करें। एक दो तीन फोल्ड्स। हाँ देखो मैंने एक छोटा सा ओरिगामी क्रेन बना दिया, कितना प्यारा है। देखो ये क्रेन डांस भी कर सकता है। ठीक है। ओ, तो वो दोबारा बहक गई। हे तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, जरा सुनो। ओह वाह अब मैं समझी, तुम्हारी प्लेलिस्ट कितनी मजेदार है, मुझे भी फोल्ड करना शुरू करना चाहिए। वू नाचो क्रेन। हाँ मेरा क्रेन भी तैयार है और नाचने के लिए भी। जरा इन्हें देखो तो सही, ये कितना जबरदस्त डांस करते हैं। वहाँ क्या चल रहा है, ये म्यूजिक की आवाज कैसी है? वो मेरा भी डांस करने का मन कर गया।
अब मैं बोर हो रही हूँ। ओह, वो जादूगर वापस आ गया। देखते हैं वो क्या लाया। अगला चैलेंज है ये फ्लावर, काम शुरू करो। ठीक है, शायद मैं जानती हूँ ये कैसे बनेगा। हाँ, उम्मीद है आप मेरी मदद कर पाएंगे, शुक्रिया। तो चलो यहाँ साइन कर दूँ। बढ़िया, और ये रहे आपके रोजेस। आपका दिन अच्छा हो जादूगर। ये रहे मेरे रोजेस। क्या, मेरा मतलब इससे नहीं था। चलो भी। हाँ ठीक है, चलो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा यहाँ भी। और अब इस कैंची की बारी। हाँ, लगता है ये हो गया। टडा! ये क्या है? लगता है तुम इस चैलेंज में भी हार गई। अब मैं अपनी कैंची का कमाल कर कुछ बनाती हूँ, पर पहले पेपर फोल्ड करना होगा। हाँ, मैं इस रूलर से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ, अब इसे काटना शुरू करते हैं। अब मैं मार्क लाइन पर छोटे छोटे कट्स लगाती हूँ, एक कोने से दूसरे कोने तक। अब इसे खोलते हैं। ओह, कितना कूल लग रहा है। अब यहाँ नीचे थोड़ी ग्लू लगाते हैं और अब इसे फोल्ड कर इसे ग्लू पर चिपका दें। अब हमें ग्रीन स्ट्रॉ और ग्लू चाहिए होगी। स्ट्रॉ के इस तरफ ग्लू लगाएंगे। जी हाँ, अब स्ट्रॉ को पेपर पर लगा देंगे और अब पेपर को इस स्ट्रॉ के आसपास लपेट देंगे। करते रहो, करते रहो, करते रहो। और अब एक और पेपर के साथ भी यही करेंगे। ये कितना अच्छा बन रहा है। हाँ, मेरा फ्लावर बन गया। ओह, तो मैं समझ गया तुमने क्या किया। बहुत अच्छे। क्या? ओह, वो ठीक कह रहा है, काफी बढ़िया बना है। ओह, वो उदास लग रही है। हे, देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। ओह, पर्पल वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। हो, उनकी दोबारा दोस्ती हो गई। मैं बोर हो गई हूँ, ये बहुत जरूरी है क्लास। सनी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ऐसा रोज होता है। ये क्या हो रहा है? ओह, अच्छा। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। सही पोस्टर में बैठना जरूरी है, कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसा करना सही नहीं है। मुझे ध्यान लगाने दो। ये गलत बात है। मॉम, क्या हुआ? ये देखो, मुझे मिल सकता है प्लीज? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो विश्वास ही नहीं होता। ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक्स मॉम। ये क्या है? एक स्नो ग्लोब। मैं इसका क्या करूँगी? क्या, तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे ये चाहिए था। मॉम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मैं हार नहीं मानूंगी, उन्हें बस थोड़ा मनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। मुझे और फाइबर खाना चाहिए। हाँ बोलो। आपको ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। ये कैसा मजाक है? ठीक है, मैं शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो ये टॉय शॉप तो बहुत बढ़िया है। ओह, मुझे प्रोफेशनली रहना चाहिए। हम ये ढूंढ रहे हैं, मेरी बेटी इस बारे में बोलती ही जाएगी। प्लीज बताओ, तुम्हारे पास ये है? बिल्कुल, ये वहाँ पर है। सच में? वो ये तो सेल पर है। आज का दिन मेरे लिए लकी है। रुको, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? अरे नहीं, वो टॉय, लगता है वो बिक गया। जितना इंतजार करोगी यही होगा, अगली बार कोशिश करना। नहीं, तुम समझ नहीं रही, मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद मैं कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। इस तरह कार्डबोर्ड की पीस को जॉइन कर देंगे। हमें एक बॉक्स बनाना है। अब कैंडी को इस होल में से डालेंगे, साइड में वुडन रॉड्स लगा देंगे। कार्डबोर्ड की लेयर्स को इस तरह काट कर चिपका दें। अब ऊपर की तरफ एक वुडन रॉड डालेंगे और रॉड के दोनों साइड पर रबर बैंड लगा देंगे। अब हम इसे बॉक्स में रख सकते हैं। ये होल वाले सेक्शन पर टिक जाएगा। रबर बैंड को लगा देंगे। अब दूसरी साइड की बारी, और अब हम इस पर कैंडी डालेंगे, और जब हम कार्डबोर्ड को धकेलेंगे तो कैंडी उस होल में से निकल जाएगी। अब ऊपर की तरफ काम करेंगे, इस तरह एंगल पर लगाएंगे। अब फ्रंट पैनल लगा देंगे, बॉक्स के ऊपर रखेंगे।
और ढक्कन लगा देंगे। इसे कैंडी से भर देंगे। ये सनी के फेवरेट है। इसका चेहरा बना देते हैं। ये मजेदार दिखना चाहिए। ये काम किया। तुम्हें कैसा लगा सनी? वो ये तो गम बॉल मशीन है। नोज को प्रेस करो और देखो क्या होता है। मुझे ये पसंद आया। मुझे और चाहिए। मेरे लिए भी बचा लेना। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। मॉम क्या हुआ? ये देखो मुझे चाहिए। पर मैं क्या ही करूं? तुम्हारी पेमेंट बाकी है। जरा रुको, शायद मेरे पास पैसे हैं। तुम ये स्प्रिंग लेते हो? माफ करना, मेरे पास यही है। नहीं, बहुत हुआ, चलो निकलो यहाँ से। स्ट्रिंग लेते हो? ये बेइज्जती वाली बात है। अब तुम्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। ये आराम से बिक जाएगा। मुझे अपना काम पसंद है, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये डेकोरेशंस कब हुई? यहाँ हुआ क्या है? घर बिकने पर लगा हुआ है। कैसे? हमें निकाल दिया गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना कबाड़ है। हाँ, अब क्या करें? मॉम, ये क्या है? तुमने देख लिया? हमें घर बदलना होगा। ये तो बहुत बेकार है। एक सेकंड रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। हमें बस ये बॉक्सेस चाहिए। ये वाला यहाँ रखेंगे। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बॉक्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स चिपकाएंगे। अब इसके साइड में भी ऊपर और बॉक्सेस रखेंगे। अब हमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए। बॉक्स के साइड में ग्लू लगाएंगे। इतना काफी है। अब ट्यूब को बॉक्सेस के ऊपर लगाएंगे। कुछ मिसिंग है, मैं समझ गई। ये इसकी रूफ होगी। फिट एकदम परफेक्ट है। अब इसे सजाएंगे। बस थोड़ी सी डिटेल से ये अलग दिखने लगेगा। अब इसके ऊपर टाइल लगा देंगे। मैंने ये लेमन कार्डबोर्ड से बनाया है। ये छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाएंगे। कितना मजेदार लग रहा है। ये कलरफुल होना चाहिए। और ये है फिनिशिंग टच। ये बन गया मेरा खुद का लेमनेड स्टैंड। ओह, मैं तो भूल ही गई, मुझे लेमनेड चाहिए। लगता है सब हो गया। मुझे बहुत खुशी है। अब रिबन काटते हैं। हमारी दुकान खुल गई है। अब हमें बस कस्टमर्स चाहिए। बहुत गर्मी है। hey, एक ग्लास दे देना, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे सब घूमकर अच्छा लगा। wow, मुझे लेमनेड पसंद है। चलो हमें दो देना प्लीज। चलो भी पैसे ले लो। चलो हटो यहाँ से। मुझे 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 दो। वो मैं अमीर हो गई। मॉम ये देखो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। बैंक लूटना कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। अरे चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने एक लेमनेड स्टैंड खोला है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने कमाल कर दिया। रुको, हमारे पास कस्टमर्स आए हैं। ये तो बहुत है, आज का दिन बिजी होगा। अगला कौन है? तो क्लास, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मैं क्यों ना सनी दे। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप मुझे ही बुलाओगी। ओह, काफी ऊंचा है ये लो चौक। और बताओ, मैं सही ही बताऊंगी। सुनकर अच्छा लगा। ये सही जा रहा है। बहुत अच्छे, हो गया। ये क्या है? टीचर, ये कोई मजाक है। हाँ, होगा ही, और कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कैसा किया? मैं देखती हूँ। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगा आंसर 4 होगा। और ये क्या? ये नंबर 5 है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कैसे ठीक करूं? समझ गए। पहले हमें कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस चाहिए। अब इस पर हम नंबर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब इन्हें काट देंगे और बीट से सजाएंगे। कितना कलरफुल हो गया। अब हमें यही चाहिए। ये नंबर्स की स्टेंसिल है। वो काफी बढ़िया है, अच्छा आइडिया था। ये लो, ट्राई करो।
मैं इसे बोर्ड के आगे लगाती हूँ। अब स्टेंसिल से नंबर्स ड्रॉ करेंगे। ये अब काफी आसान है। काश मेरे पास ये पहले से होता। मैं जानती थी ये काम करेगा। हो गया। बहुत अच्छा किया सनी, इसे ए प्लस मिलना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। वाह, सच में? वो हेलो। हाँ, खुशबू अच्छी लगी क्या? ये सैंडविच है। मैं एक लूंगा। ठीक है। ओह, पैसे? हाँ, कुछ इतने। ये ले लो। मैं एक सैंडविच लेना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने इससे अच्छा सैंडविच कभी नहीं खाया होगा। मैं कह रही हूँ ना, एक्स्ट्रा बेकन भी। जरा इसे देखो, मजे से खाओ। वाह, क्या बात है, शुक्रिया। हाँ? क्या आप हार्ट टेक में बदल गए? रोबोट्स को सबसे पसंद होते हैं ना? कमाल है। अब लग रहा है कि यहाँ पार्टी होगी। और ये मैंने सब खुद किया है। फिर उम्मीद है मैडिसन को ये पसंद आए और उसके प्रेजेंट्स रैप कर देते हैं। और ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने रैप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, वो आ गई। मैं इसे कहाँ रखूँ? वो यहाँ देखेगी तो नहीं ना? हैप्पी बर्थडे! तुम एक साल और बड़ी हो गई। और चलो सेलिब्रेट करें। ओह नहीं, उसका प्रेजेंट। ये ठीक नहीं हुआ। और मेरा प्रेजेंट? अपनी आंखें बंद करो। मैं क्या करूं? क्या यहाँ पर कुछ है? समझ गया, मैं इसको कुछ बना सकता हूँ। स्क्वायर के बेस पर हॉट ग्लू लगाएं। अब इसके ऊपर एक पीस लगाएं और ऐसा ही दोबारा करें। अब साइड पर एक पीस लगाएं। लो, अब बीच में कुछ पीसेस लगाएं। इसे ग्लू से सिक्योर कर दें और ये पीस ऊपर लगाएं। अब इसे सीधा खड़ा कर दें और सबको साथ में जोड़ दें। ये तुम्हारा खुद का फ्लेयर बन गया। अब इसमें कैंडी जाएगी। मैं सारी मैडिसन की फेवरेट वाली रख रहा हूँ, उसे बहुत पसंद आएगा। ये गिफ्ट परफेक्ट है। अपनी आंखें खोलो। ये लो, ये तुम्हारे लिए हनी। क्या सच में? मुझे सबसे पहले गमी बेयर्स चाहिए। कूल। और रेड मेरा फेवरेट कलर है। मेरा ये बर्थडे सबसे अच्छा था। और अब चलो चॉकलेट खाएं। बहुत बड़ी है। चलो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूं। बता देना। वाह, ये सारी मेरी है। मेरी स्वीटी के लिए स्वीट। फ्यू। बारिश हो जाए, ये मैं पूरा तंग करती हूँ। ओह या, मेरे पास बहुत पैसे है बेबी। लगता है अब ये साफ करना होगा। मैं मदद कर देता हूँ डियर। ओह प्लीज, बस करो। और नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं बता सकता। हे भगवान, बहुत हो गया मैडिसन, अब वापस आओ। यही रुक जाओ, थोड़ा धीरे, मेरी अब उम्र हो गई है। फिर आप तो बूढ़े हो गए हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रुको, मैं जानता हूँ ये कैसे रुकेगी। मुझे बस कार्डबोर्ड चाहिए। स्क्वायर के बीच पे दो पेग्स लगाएंगे। अब इनके ऊपर स्प्रिंग्स लगा देंगे। अब इस पीस को ऊपर रखेंगे। अब इसके आसपास एक्स्ट्रा पीसेस लगाएंगे। यार कितनी फनी है ना, और थोड़ा कलर भी कर देते हैं। देखना चाहोगे मैंने क्या बनाया? ये प्यारा है ना? अब देखो, तुम्हें भूख लगी है मेरे दोस्त, लो खाओ। क्या, मुझे भी ट्राई करने दो। हैरानी की बात है, ये काम किया। हाँ बिल्कुल। और देखो अब कॉइन्स कौन उठा रहा है। अब ज्यादा मजेदार है ना? हाँ, इसे पक्का भूख लगी होगी, कितना मजेदार है। ओह, ये लो। तो क्लास, यहाँ मेरी कौन मदद करेगा? जरा देखने दो। क्या, सिर्फ आज मैं ही हूँ?
और है ही कौन? हाँ, तुम। बिल्कुल। मैं जानती हूँ तुम चैलेंज के लिए तैयार हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मिस। मैं यही तो चाहती हूँ। तो ठीक है। ओह, ये काफी दिलचस्प है, पर चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। अब तुम इसे ट्राई कर देखो। हाँ ठीक है, इसमें कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है, बस इस तरह लेटर्स को क्रीज करना है और इसमें मुझे ए मिलेगा। ये है 4 और एक और, लगता है हो गया। उफ, एक गड़बड़ हो गई। टडा! हे भगवान, मुझे करना पसंद नहीं है पर ओ, ये थोड़ी मदद करेगा। ये लो टीच। खैर, चलो एक बार दोबारा ट्राई करें। देखते हैं। ओह, लगता है मैंने इसका हल ढूंढ लिया। ये नहीं चाहिए पर ये चलेगा। हाँ, एक लंबे से ट्रायंगल से शुरू करेंगे और एक तरफ नंबर्स ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, मैं वापस आ गई। ये इस्तेमाल करो। ओह, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। माफ करना, मैं एक चीज तो भूल ही गई। पहले हमें इसे स्प्रिंकल करना है। अब जरा इसे देखो। और ये रहे हमारे नंबर्स, देखा? वाह, मुझे बहुत पसंद आया। चलो इसे एक बार और ट्राई करें, ठीक है? अब तुम जानते हो ना क्या करना है। ये देखो, कितना स्मूथ है। है क्या नहीं? चलो अब स्टेंसिल हटा दे और ये देखो, कितने अच्छे से लिखे गए हैं। और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? A+। जी हाँ, मेरे लिए तालियां। आज मुझे बहुत भूख लगी है। खैर, चलो अब काम पर लग जाए, या मुझे ये साफ करने चाहिए। चलो भी, आलस मत करो। हम हनी। ओह, तो तुम यहाँ हो? हाँ। चलो अब तुम सफाई करोगी। मैं नहीं करूँगी, मैंने अपना काम कर लिया, देखो। उफ। अब आपकी बारी है डैड। जरा मुझे सोचने दो। सच कहूँ तो ये कार्डबोर्ड मेरे काम आएगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। पहले इन्हें इस तरह काटेंगे, पर कोने पर हॉट ग्लू लगाएंगे। अब इस पर ये पीसेस लगा दें। जब ये सब लगा दें, तो नीचे की तरफ क्लोज पेन इस्तेमाल करें और ये साइंस लगा दें। ये ऐसे बनता है दोस्तों, क्यों ना हम पिनबॉल खेलें? कूल। और जो हारेगा वो बर्तन साफ करेगा। ओह, तो ठीक है। पहले तुम्हारी बारी मैडिसन। चलो। ओह, अब ये थोड़ा मुड़ेगा, बस हो ही गया। 20 points। हाँ। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। ओह नहीं। मतलब आप बर्तन साफ करोगे डैडियो? अगली बार अपना लक ट्राई करना। ओह। कैसा चल रहा है डैड? एक और ले लो। थैंक यू। पिनबॉल, मैंने क्या सोच कर ये किया? ओह, चलो अब सो जाए, मजा आ रहा है। आप लोग मस्ती करने के लिए तैयार हो? आपके कानों से खून आएगा। ये सब करने का वक्त नहीं है। देखो मैंने क्या सीखा। प्लीज मुझे सोने दो। ठीक है, अगर मैं आराम से बजाऊं तो? आज रात यही सब होता रहेगा। ये मेरे फैंस के लिए है। बहुत हुआ। क्या इस बॉक्स में मेडिसिन का गिटार आया था? चलो मेरी सुनी गई। हमें अभी भी उम्मीद है। मेरे कार्डबोर्ड गिटार को देखो। ये देखा, अब इसे आधा कर लेंगे और यहाँ लगाएंगे। होल्स बनाने के लिए ये पैक इस्तेमाल करेंगे और इन स्ट्रिंग्स से हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे।
इस तरह टेप लगा देंगे ताकि ये टिके रहे। अब पूरे बैग पर हॉट ग्लू लगाएंगे और ये हो गया। ये हुई ना बात। ये लो, मैं इसकी जगह तुम्हें ये दूंगा। जितना सोचा था ये तो उससे भी आसान निकला। शांति मिली। नाइट नाइट मेरी प्यारी रॉकस्टार। बस मुझे अब सोना है और कल मेरा थिएटर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं रुक ही नहीं पा रही। बहुत बुरी नींद आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सब दर्द हो रहा है। हेलो स्लीपी हेड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें फीवर तो नहीं है? जरा इसे लगाओ, कफ सिरप काम आएगा। अपना मुंह खोलो। याक। तुम्हें आराम करना चाहिए। पर थिएटर मैं मिस नहीं कर सकती, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो डार्लिंग, पर तुम बीमार हो। एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ तुम खुश कैसे होगी। एक सीरियल बॉक्स लें और उसमें से स्क्वायर काटें। इस तरह बॉक्स को रखें और इसके ऊपर एडहेसिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं। एडहेसिव पेपर के अलग अलग कलर्स लगाते जाएं। दो अलग अलग कलर्स से इसे ढकें। अब सीजर से बीच से पेपर हटा दें। अब दो टिश्यू पेपर लें और उन्हें फोल्ड करें बिल्कुल इस तरह। अब टिश्यू पेपर को बॉक्स के अंदर रख दें। ऊपर और नीचे दो स्लिट्स बनाएं। अब इसके बीच में पॉप्सिकल डाल दें। आखिरकार कार्ड पर कैरेक्टर्स बनाएं और उन्हें पॉप्सिकल स्टिक्स पर चिपका दें। तुम शो के लिए तैयार हो? वाह, ये तो बढ़िया है। थिएटर खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत गंदा था। बस ये फैले नहीं, हम साथ में बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजेदार टिप्स और ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये गलत बात है। मॉम, क्या हुआ? ये देखो, मुझे मिल सकता है प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। वो विश्वास ही नहीं होता। ये तुम्हारे लिए। वाह थैंक्स मॉम। ये क्या है? एक स्नो ग्लोब। मैं इसका क्या करूँगी? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे ये चाहिए था। मॉम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मैं हार नहीं मानूंगी, उन्हें बस थोड़ा मनाना पड़ेगा। मेहनत लगेगी। मुझे और फाइबर खाना चाहिए। हाँ बोलो। आपको ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। ये कैसा मजाक है? ठीक है, मैं शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो ये टॉय शॉप तो बहुत बढ़िया है। मुझे प्रोफेशनली रहना चाहिए। हम ये ढूंढ रहे हैं, मेरी बेटी इस बारे में बोलती ही जाएगी। प्लीज बताओ तुम्हारे पास ये है? बिल्कुल, ये वहाँ पर है। सच में? वो ये तो सेल पर है। आज का दिन मेरे लिए लकी है। रुको, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? अरे नहीं, वो टॉय लगता है वो बिक गया। जितना इंतजार करोगे यही होगा। अगली बार कोशिश करना। नहीं, तुम समझ नहीं रही, मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद मैं कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ क्या करना है। इस तरह कार्डबोर्ड की पीस को जॉइन कर देंगे। हमें एक बॉक्स बनाना है। अब कैंडी को इस होल में से डालेंगे। साइड में वुडन रॉड्स लगा देंगे। कार्डबोर्ड की लेयर्स को इस तरह काट कर चिपका दें। अब ऊपर की तरफ एक वुडन रॉड डालेंगे और रॉड के दोनों साइड पर रबर बैंड्स लगा देंगे। अब हम इसे बॉक्स में रख सकते हैं। ये होल वाले सेक्शन पर टिक जाएगा। रबर बैंड्स को लगा देंगे। अब दूसरी साइड की बारी। और अब हम इस पर कैंडी डालेंगे और जब हम कार्डबोर्ड को धकेलेंगे तो कैंडी उस होल में से निकल जाएगी। अब ऊपर की तरफ काम करेंगे, इस तरह एंगल पर लगाएंगे। अब फ्रंट पैनल लगा देंगे, बॉक्स के ऊपर रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। इसे कैंडी से भर देंगे। ये सनी के फेवरेट है।
इसका चेहरा बना देते हैं। ये मजेदार दिखना चाहिए। ये काम किया? तुम्हें कैसा लगा सनी? वो ये तो गम बॉल मशीन है। नोज को प्रेस करो और देखो क्या होता है। ओह, मुझे ये पसंद आया। मुझे और चाहिए। मेरे लिए भी बचा लेना। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। मॉम, क्या हुआ? ये देखो, मुझे चाहिए। पर मैं क्या ही करूं? तुम्हारी पेमेंट बाकी है। जरा रुको, शायद मेरे पास पैसे हैं। तुम ये स्प्रिंग लेते हो? माफ करना, मेरे पास यही है। नहीं, बहुत हुआ, चलो निकलो यहाँ से। स्ट्रिंग लेते हो? ये बेइज्जती वाली बात है। अब तुम्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। ये आराम से बिक जाएगा। मुझे अपना काम पसंद है, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये डेकोरेशंस कब हुई? यहाँ हुआ क्या है? घर बिकने पर लगा हुआ है। कैसे? हमें निकाल दिया गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना कबाड़ है। हाँ, अब क्या करें? मॉम, ये क्या है? ओह, तुमने देख लिया? हमें घर बदलना होगा। ये तो बहुत बेकार है। एक सेकंड रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। हमें बस ये बॉक्सेस चाहिए। ये वाला यहाँ रखेंगे। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बॉक्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स चिपकाएंगे। अब इसके साइड में भी ऊपर और बॉक्सेस रखेंगे। अब हमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए। बॉक्स के साइड में ग्लू लगाएंगे। इतना काफी है। अब ट्यूब को बॉक्सेस के ऊपर लगाएंगे। कुछ मिसिंग है, मैं समझ गई। ये इसकी रूफ होगी। फिट एकदम परफेक्ट है। अब इसे सजाएंगे। बस थोड़ी सी डिटेल से ये अलग दिखने लगेगा। अब इसके ऊपर टाइल लगा देंगे। मैंने ये लेमन कार्डबोर्ड से बनाया है। ये छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाएंगे। कितना मजेदार लग रहा है। ये कलरफुल होना चाहिए। और ये है फिनिशिंग टच। ये बन गया मेरा खुद का लेमनेड स्टैंड। ओह, मैं तो भूल ही गई, मुझे लेमनेड चाहिए। लगता है सब हो गया। मुझे बहुत खुशी है। अब रिबन काटते हैं। हमारी दुकान खुल गई है। अब हमें बस कस्टमर्स चाहिए। बहुत गर्मी है। हे, एक ग्लास दे देना, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे सब घूमकर अच्छा लगा। वाओ, मुझे लेमनेड पसंद है। चलो हमें दो देना प्लीज। चलो भी पैसे ले लो। चलो हटो यहाँ से। मुझे 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 दो। वाओ, मैं अमीर हो गई। मॉम, ये देखो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। बैंक लूटना कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। अरे चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने एक लेमनेड स्टैंड खोला है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने कमाल कर दिया। रुको, तुम्हारे पास कस्टमर्स आए हैं। ये तो बहुत है, आज का दिन बिजी होगा। अगला कौन है? तो क्लास, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मैं। क्यों ना सनी दे। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप मुझे ही बुलाओगी। ओह, काफी ऊंचा है ये लो चौक। और बताओ, मैं सही ही बताऊंगी। सुनकर अच्छा लगा। ये सही जा रहा है। बहुत अच्छे हो गया। ये क्या है? टीचर, ये कोई मजाक है? हाँ, होगा ही, और कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कैसा किया? मैं देखती हूँ। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगा आंसर 4 होगा। और ये क्या? ये नंबर 5 है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कैसे ठीक करूँ? समझ गए। पहले हमें कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस चाहिए। अब इस पर हम नंबर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब इन्हें काट देंगे और बीच से सजाएंगे। कितना कलरफुल हो गया। अब हमें यही चाहिए। ये नंबर्स की स्टेंसिल है। वो काफी बढ़िया है, अच्छा आइडिया था। ये लो, ट्राई करो। मैं इसे बोर्ड के आगे लगाती हूँ। अब स्टेंसिल से नंबर्स ड्रॉ करेंगे।
यह अब काफी आसान है। काश मेरे पास ये पहले से होता। मैं जानती थी ये काम करेगा। हो गया। बहुत अच्छा किया सनी, इसे A+ मिलना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। वाह, सच में? वो। स्क्रीच, बीबी, बाल बाल बचे। अब चलो, मैं आ रही हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। शलललललला, मैं कमरा साफ कर रही हूँ। मजा आ रहा है। इससे अच्छा और क्या होगा? शुप टुटू, शुप टुटू। एक मिनट रुको। ये लो। वन। वुहू। और तेज, और तेज। ये घर इतना गंदा कैसे हो गया? हाँ, ये वैक्यूम तो साफ ही नहीं कर रहा। अब इसे क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रही। ये काम नहीं कर रहा। अजीब है। ऐसा कैसे हुआ? ओह, मुझे पता होना चाहिए था। हे मॉम, चलो खेलें। सच में क्लोई, मैं यहाँ सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। इसे कचरे में फेंकना होगा। ओह, आप हमेशा मजाक अकेला कर देती हो। लेकिन ये गलत बात है। रखो, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है। पिज्जा बॉक्स से सेक्शंस काटेंगे, अब ग्लू गन लेंगे और इस पीस से शुरू करेंगे। कोने पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। अब इसे बड़े वाले रेक्टेंगल के ऊपर चिपका देंगे। ऐसा ही दूसरी साइड के साथ भी करें। मैंने ये लंबी सी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसे मोड़ भी सकते हैं और शेप भी दे सकते हैं। ग्लू से इसे टिका देंगे, इसे एक तरफ रख देंगे। सोडा कैप में एक होल करें, इसके अंदर से स्ट्रॉज निकालेंगे। ये बिल्कुल फिट आना चाहिए, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। इसे चिपकाने के लिए ग्लू इस्तेमाल करेंगे और इस कैप के आसपास लगा देंगे और कार्डबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा होल करेंगे और इसमें स्ट्रॉ डालेंगे। ये इस होल में से बाहर निकलेगा। अब मुझे और सोडा कैप्स चाहिए। वुडन रॉड को स्ट्रॉ में डालेंगे। ये स्ट्रॉ वुडन रॉड से थोड़ा छोटा है। दोनों साइड पर सोडा कैप्स लगाएंगे। अब सबको ग्लू से साथ में चिपका देंगे। चलो ट्राई करते हैं। वाह, जरा इसे तो देखना। इसे कार्डबोर्ड के अंदर लगा देंगे। अब बस थोड़े फिनिशिंग टचेस बाकी हैं, जैसे लाइट्स और विंडोज। सोडा कैप के ऊपर एक बलून लगा देंगे। अब इस बलून को फुला देंगे। चलो टेस्ट ड्राइव पर चलें। ध्यान से, ये क्या? ये है क्या? वो कमाल है। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं हनी, मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। लगता है ये तैयार है। इंजन शुरू करो। वो मुझे पसंद आए, कितनी तेज है। ओ नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो जाएगी। उप्स, माफ करना मॉम। तुमने इंश्योरेंस तो ली है ना? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो चलो गो, बहुत मजा आएगा। चलो चलो मॉम। पेरेंट होना बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। जिंदगी थोड़ी आसान बनाने के लिए हमारे पास ये हैक्स है। हमें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ब्लशर का शेड बहुत पसंद है। ओह, कोई कॉल कर रहा है, मैं उठा लेती हूँ। हेलो। ओह हे गर्ल, सच में विश्वास ही नहीं हो रहा। पॉप पॉप पॉप। ओह, मॉम फोन पर बात कर रही हैं। मैं भी करती हूँ। क्या सच में? तो यहाँ आना होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर मिलेंगे। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी असली फोन चाहिए। अरे नहीं, पर मैं रुक नहीं पा रही। ये है परफेक्ट क्राइम। ओ मेरी प्यारी बच्ची, पकड़े गए। चलो चलो निकलो, मैं हार नहीं मानने वाली। एकदम आराम से। ओ, तुम्हें भी थोड़ा पाउडर चाहिए यानी? टिकल टिकल। अरे वाह मॉम, ठीक है इस बार देखते हैं। ओ, तुम मुझे गले लगा रही हो। तुम कितनी प्यारी हो, मुझे इसी की जरूरत थी। हाँ, मैं वही तो कर रही थी। ये क्या हो रहा है? मम्मी को तैयार होना होगा, मुझे वो फोन का भी नहीं मिल सकता। मैं अच्छी लग रही हूँ, अब ग्लव्स ले आती हूँ। आहा, यही मौका है, जल्दी करना होगा। हाँ, हम लंच पर चल सकते हैं। ये रहे, कितनी सॉफ्ट है। हाँ मुझे चलेगा। उप्स। एनी, नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो आपने ऐसा कैसे किया? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है एनी। माफ करना मॉम, तुम मेरे फोन के साथ नहीं खेल सकती। जरा रुको, लगता है तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा।
मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हमें यही बॉक्स तो चाहिए। चलो काम पर लग जाए। पहले कार्डबोर्ड का छोटा सा स्क्वायर लेंगे, जल्दी से एक स्केच बना लेंगे। ये फोन की आउटलाइन होगी। मुझे बहुत आर्टिस्टिक फील हो रहा है। अब थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे। ये होंगी इसकी कीज। अभी तक तो सब ठीक है। अब स्क्रीन बनाएंगे, ऐसा यहाँ भी करेंगे। ये फोन की दूसरी साइड होगी। शुक्र है मेरा हाथ टिक कर चलता है। अब मुझे इसे काटना होगा। ये बहुत आसान था। इन दोनों पीसेस को उल्टा करते हैं और ग्लू लेंगे। कोने पर ग्लू लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगानी। कॉरुगेटेड कार्ड का एक पीस लेंगे, इसे ग्लू से चिपका देंगे। ये फोन की साइड होगी। अब इसे रैप कर देंगे इस तरह। दूसरा कार्डबोर्ड का पीस ऊपर लगा सकते हैं। बाकी सेक्शंस के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अब ये अपनी शेप में आ रहा है। मुझे इन्हें साथ में जोड़ना होगा। मेरे पास छोटा मेटल ब्रैकेट है, ये काम आएगा। इसे कार्डबोर्ड के अंदर लगा देंगे, इससे ये आसानी से फ्लिप हो जाएगा, बिल्कुल असली फोन की तरह। अब इसे कलर करना होगा। मैं इसके लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं कोनों पर पिंक मार्कर इस्तेमाल करूंगी। अब इसे उल्टा करेंगे और दोनों साइड पर कुछ ऐसा ही कर देंगे। पर अब ये पूरा नहीं हुआ। मैं एक प्यारी सी किटन इसके ऊपर लगाती हूँ। स्क्रीन की जगह पर हमने होल किया है, इसमें ये पिक्चर लगा देंगे। लगता है हो गया। अब मैं ये आनी को दिखाना चाहती हूँ। देखो मेरे पास क्या है। चलो दोबारा ट्राई करें। हेलो, तुम्हें आनी से बात करनी है? वो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तुम्हारे लिए है। आप मजाक कर रही हो क्या? वाओ, ये कितना कूल है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, बस वो उठा ले। हेलो एनी, पता है आज का दिन कैसा था? तुम हंसने वाली हो। हाँ हाँ, मुझे सब बताओ। ये सैंड कितनी मजेदार है मामी। हाँ डियर, मैं एक चम्मच भर कर इसे खा जाऊंगी। यम्मी। नहीं, ये मत खाओ। चम्मच नीचे रखो, ये खाना नहीं है डार्लिंग। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। मैं कुकीज को ब्लेंडर में डालूंगी और अब इसे मिलाएंगे। कुकीज बिल्कुल पाउडर बन जाएंगी, इतना काफी है। अब हम पाउडर को इस ट्रे पर डाल देंगे। स्वीट हार्ट, देखो मेरे पास क्या है। ओह, और सैंड, और तुम इसका स्वाद चख सकती हो। थैंक्स मामी। कैसा लगा? ये ड्राइंग बहुत सुंदर है। खूबसूरत है स्वीटी। देखो मामी, यहाँ पे फ्लावर्स हैं और सन और स्काई भी। वो कितनी टैलेंटेड है, मेरी प्यारी पिकासो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इतनी प्यारी बच्ची है। ये क्या हुआ? ये कमरा कितना गन मचा हुआ है। टेस्टी, मुझे ड्राइंग करना पसंद है। डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था ना, मम्मी को क्रेयॉन दो, हमें बात करनी होगी। ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है और पेट के लिए भी नहीं। अपने आप को देखो। मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मुझे इससे छुट्टी चाहिए, या मैं कुछ और ट्राई कर सकती हूँ। चॉकलेट बटन्स का एक बोल लें, अब इसे पिघला लें। मेल्टेड चॉकलेट से सिरिंज को भरें, थोड़ी सी और, इतनी काफी है। अब चॉकलेट को स्ट्रॉ में डालें, जब ये हो जाए तो स्ट्रॉ को फ्रिज में रख दें। और जब चॉकलेट सेट हो जाए तो स्ट्रॉ को निकाल लें। थोड़ा क्रिएटिव होने की बारी है। पेंसिल शार्पनर से एक तरफ से इसे शार्प करें। ध्यान रहे कि पेंसिल शार्पनर बिल्कुल साफ हो। अब चॉकलेट के ऊपर क्रेयॉन रैपर लगा दें। एकदम सेफ और खाने लायक क्रेयॉन्स। अलग अलग रंगों के साथ ऐसा ही करें। हाय हनी, मम्मी तुम्हारे लिए नए क्रेयॉन्स लाई है। वाह, इसकी खुशबू तो चॉकलेट जैसी है। ये चॉकलेट ही है। अब बेहतर है, अब मुझे साफ करना होगा दोबारा। एक ग्लास दूध पी लो। दूध तो काउ से आता है ना मम्मी? मैं जानती हूँ डियर। देखो मम्मी, मैंने पूरा कर लिया। इसका नाम डेजी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शानदार, हमें इसे कहीं टांगना होगा। और अपना दूध पी लो। दूध? इयो, मैं ये नहीं पीने वाली। हर बार यही होता है। ओह, इस पेन से मुझे एक आइडिया आया, ये काम आएगा। एक लेटेक्स ग्लव लेंगे और उंगलियों में इस तरह छेद करेंगे और अब ब्लैक पेन से इस पर पैटर्न्स बनाएंगे। ये मजेदार है। लो, ये तो काऊ की तरह लग रहा है। हम ग्लव में दूध डालेंगे, इसे पूरा भर दे, इतना काफी है। तो चलो मेरे लिए।
अपने गाँव से दूध ले रही हूँ। देखो मम्मी, दूध आ रहा है। मैंने पूरा ग्लास भर लिया, काफी मेहनत का काम था। बहुत अच्छा है। देखा, ये काम किया। मैं वो ठीक कर देता हूँ डार्लिंग, अब बेहतर है। मैंने सब सही किया, ये हुई ना बात। हैप्पी बर्थडे, हम तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं, बहुत मजा आएगा। या! और मेरे पास स्नैक्स है, देखो लो, खुद ले लो लड़कियों। मुझे दो। थैंक्स डैडी। ठीक है, चलो बच्चों, अब गन मत मचाना। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, ये चॉकलेट बहुत अच्छी है। बहुत बुरा होने वाला है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। कभी कभी मुझे भी मजे करने का मन करता है, पर मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। मुझे ये पसंद नहीं है। एक मजेदार गेम खेलना चाहोगी? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। मैंने डाल दिया, ये मजेदार है। मैंने भी कर दिया। डर का एक और प्लान कामयाब रहा, मैं इसमें माहिर हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम मेरे पास गमी बेयर्स हैं। मेरी प्यारी बच्ची कैसी है? ये तो ठीक नहीं हुआ। हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें दवाई की जरूरत है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अपना मुँह खोलो। मुझे नहीं खानी, ये गंदी है। ठीक है, तो हम ये टैबलेट्स ट्राई करेंगे, इसे निकलना आसान होगा। ये लो। नहीं, मैं नहीं ले रही। खैर, मैंने कोशिश तो की। एक मिनट रुको, मुझे गमी बेयर्स पसंद है। शायद मैं जानती हूँ उसे दवाई कैसे देनी है। गमी बेयर में एक कट लगाएं, अब इसमें एक टैबलेट लगा दें, टैबलेट को अंदर तक घुसाएं ताकि ये दिखे नहीं। अब गमी बेयर को वापस बोल में डाल दें। मैं तुम्हारे लिए और स्नैक्स लाई हूँ। थैंक्स मॉम, ये दवाई से तो बहुत अच्छे हैं, कितने यम्मी है। तुम सारे ही खा लो बच्चे। हो गया, आज मेरे लिए अच्छा दिन है। अब इसे क्या हुआ? रुको, क्या? क्या? माउस? अब मैं क्या करूं? काश मेरे पास एक नया माउस होता। निवर्स 3000, कितना अच्छा है। शायद मेरे पास इसके लिए पैसे हैं। ओह, ये रहे। ये एक डॉलर में तो नहीं आएगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये मजेदार है। आ रहा हूँ। किसने कहा कि हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं? मुझे बस यही चाहिए। थोड़ी स्निप्स यहाँ और थोड़ी नॉट्स यहाँ, बस हो ही गया। और ये आया मेरा खुद का नेवर 3000। अब इसे देखना दोस्तों, मैं एक जीनियस हूँ ना। ये ज़ॉम्बीज नहीं बचने वाले। हे, ये चल नहीं रहा, अभी तो धोखा मत दो। इसे कचरे में डाल दो, बहुत गुस्सा दिलाता है। नेवर 3000, ये हुई ना बात। एक अच्छा गिफ्ट कभी निराश नहीं करता। ओह, इसे भूख लगी है।